सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप एक बिगनर है तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर होगा कि कौन सी पेंसिल्स बाय करनी चाहिए हमें एज अ बिगनर, क्योंकि आप बिगनर हो तो फिर आप स्टार्टिंग में महंगी महंगी पेंसिल्स नहीं बाय करेंगे। तो मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स आपको मिल जाएंगी। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कौन सी ब्रांड की पेंसिल आपको लेनी चाहिए। सो मैं इस वीडियो में अलग अलग ब्रांड की पेंसिल को रिव्यू करने वाला हूँ और हम लोग पेंसिल का शेडिंग टेस्ट लेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और लेट्स स्टार्ट इट। सो ये है मेरे पास फैबर कास्टल की पेंसिल, कैमलिन की पेंसिल, आर्ट लाइन की पेंसिल और स्टेडलर की पेंसिल। सो मेरे पास ये चार ब्रांड की पेंसिल्स है और हर एक बॉक्स में 6 ग्रेड्स की पेंसिल है। तो इसमें हमें डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल मिल जाएंगी। तो ये है फैबर कास्टल की पेंसिल्स और ये हमें मिलती है मार्केट में 35 रुपीज। तो अब मैं ओपन कर रहा हूँ कैमलिन की पेंसिल्स और इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक और ग्रीनिश कलर है। तो इसमें भी हमें 6 ग्रेड की पेंसिल मिल जाती है और ये है आर्ट लाइन की पेंसिल और इसको मैं भी यूज़ करता हूँ। ये बहुत अच्छी पेंसिल है पर ये पेंसिल्स आपको 40-50 रुपीस में मिल जाएंगी। पर ये है स्टेडलर की पेंसिल जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसे यूज़ करते हैं और इसका प्राइस है 700-600। तो इसको अभी हम लोग साइड में रख देते हैं क्योंकि इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, बहुत अच्छी पेंसिल्स है। तो फिर अभी मैं इन तीन ब्रांड की पेंसिल का टेस्ट करूंगा। तो फिर सबसे पहले हम लोग डार्कनेस का टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर मैं सिर्फ 6B पेंसिल से करूंगा अभी के लिए। तो सबसे पहला है फैबर कास्टल का 6B। तो अब मैं यूज करने वाला हूँ कैमलिन का 6B पेंसिल। और अब मैं यूज करने वाला हूँ आर्ट लाइन का 6B पेंसिल। तो अब हम लोग यूज करने वाले हैं 8B पेंसिल्स। तो फिर सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूँ फैबर कास्टल का 8B पेंसिल और आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे 8B और 6B में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए था पर दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है हमें। अभी मैं यूज करने वाला हूँ कैमलिन का पेंसिल। तो कैमलिन का 8B पेंसिल आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डार्क है 6B पेंसिल से। और अभी हम लोग यूज करने वाले हैं आर्ट लाइन का 8B पेंसिल। तो आर्ट लाइन की पेंसिल्स तो बेस्ट है, देखो आप 8B भी बहुत ही ज्यादा डार्क हमें दिखाई दे रहा है और मैं एकदम हल्के हाथों से शेडिंग कर रहा हूँ, ज्यादा प्रेशर लगाकर नहीं कर रहा हूँ। जैसे आर्ट लाइन का हमें 10B पेंसिल भी मिल जाता है, मतलब कि 8B से भी ज़्यादा डार्क। ये देखो आप ये देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क शेड है और मैं ज़रा भी प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप एक बिगनर हैं और आपको एक चीप पेंसिल चाहिए तो फिर आप आर्ट लाइन की ले सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पेंसिल है। वरना आप देख सकते हो कि 6B और 8B में कोई फ़र्क नहीं है, फैबर कास्टल और कैमलिन की पेंसिल्स में कोई फ़र्क नहीं है। तो जिस पेंसिल में ग्रेड्स का डिफरेंस हो ही ना, वो पेंसिल लेकर क्या फ़ायदा है। पर अगर आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो और आपको बेस्ट क्वालिटी की पेंसिल्स चाहिए तो फिर आप स्टेडलर की पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बार स्टेडलर को भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो फिर स्टेडलर की पेंसिल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी पेंसिल्स है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो फिर अभी हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं 6B और आप देख सकते हो
ये सबसे ज़्यादा डार्क है, यानी कि दूसरे पेंसिल से कंपेयर करें तो, दूसरे ब्रांड की पेंसिल से। तो अभी हम लोग इस पेंसिल्स में देख सकते हैं डिफरेंस। तो फिर अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ 8B पेंसिल स्टेडलर की। तो आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी डार्क है आर्ट लाइन की तरह, पर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल है। तो फिर गाइस, अगर आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की पेंसिल चाहिए तो फिर आप स्टेडलर की तरफ जा सकते हैं, पर अगर आप एक बिगिनर हैं तो फिर आप आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है, बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है, बाय। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर लें, बाय।